बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट फिल्म, वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म, मतलब कहीं भी ऐसे बोरियत नहीं होती, बहुत तेज जाती है फिल्म। बहुत ही बार और देखेंगे सुपर फैन बन करके, फिर मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। खुद की टिकट शाहरुख भाई खुद बुक करेंगे, ये जो देखने वाले लोग हैं, जो जा रहे हैं, जो थिएटरों में भीड़ है, जो पागलपन है, वो भी शाहरुख भाई पैसे दिए हैं, नाचो मेरे गाने को लेकर पागल हो जाओ। कैसा रहा जवान बॉक्स ऑफिस का अब तक का कलेक्शन? जवान के तूफान के बीच शाहरुख खान ने बता दी डंकी की रिलीज डेट। शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, जवान की कमाई कितने करोड़ों के पार, गदर 2, ढिंगल 2 की हालत लगी कुत्ते जैसी। वैसे जवान ने अपने झंडे काटने में सफल हो चुकी है और इस तूफान को रोकना मानो नामुमकिन हो गया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे वैसे वैसे जवान की हालत मानो बुढ़ापे की तरफ जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से SRK के लिए मानो पूरे दिन शुरू हो गए ऐसा लग रहा है। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जवान कमाई के मामले में सबको पछाड़ रही है, जैसे एक धोबी कपड़ों को तोड़ मरोड़ रहा हो ऐसा लग रहा है। जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से ही यह रोज कोई न कोई रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने अपने 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 700 करोड़ पार कर चुकी है। वहीं एटली के निर्देशन में बनी जवान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। फिल्म में विजय सेतुपति और नयनतारा भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं एक खास रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार यानी 15 सितंबर को नए आंकड़े जारी किए गए, जिसमें पता चला कि जवान 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन कितना कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस के ट्रेड का हिसाब किताब रखने वाली एक वेबसाइट जो शुक्रवार की कमाई के आंकड़े जारी किए, इन आंकड़ों से पता चला कि शुक्रवार को सिर्फ शाहरुख खान की जवान ने करीब 20 करोड़ की कमाई की। अगर ये कलेक्शन सही साबित होता है तो शुक्रवार के इस कलेक्शन के साथ इंडिया में जवान 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और इस कमाई के साथ जवान का कलेक्शन 409 करोड़ हो गया है। पर शाम होते होते ये आंकड़े और भी बढ़ सकते थे। जवान के तूफान के बीच शाहरुख खान ने बता दी डंकी की रिलीज डेट। पठान और जवान के बाद शाहरुख खान ने तमाम चाहने वालों को उनकी अगली फिल्म डंकी का इंतजार है। पिछले कुछ दिनों से डंकी के पोस्टपोन होने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब खुद किंग खान ने अपने इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बता दिया। साल 2023 की पूरी तरह से शाहरुख खान के नाम है। शुरुआत हुई पठान से, जिसने वर्ल्ड 1050 करोड़ की कमाई की। वहीं पर पठान के लगभग 6.5 महीनों के बाद जवान लेकर आए हैं। इस फिल्म ने भी तूफान मचा दिया। 8 दिन और दुनिया भर में इस फिल्म ने 696 करोड़ की कमाई अब तक कर ली है और इन दोनों फिल्मों ने बाद अब बारी है डंकी की। दोस्तों डंकी को बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर राजकुमार हिरानी बना रहे हैं। पहले से ये फिल्म इस साल की क्रिसमस पर रिलीज होने के लिए तय है, लेकिन जवान के रिलीज के बाद बीते कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं सामने आ रही है कि डंकी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन उस रूमर्स पर ब्रेक लगाते हुए शाहरुख खान ने बता दिया कि डंकी अब आने वाली है। शुक्रवार के दिन मुंबई में हुए जवान के सक्सेस इवेंट में शाहरुख खान ने डंकी को लेकर बात की और उन्होंने कहा 26 जनवरी से हम शुरुआत की, रिपब्लिक डे यह बहुत ही खास दिन है, जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जन्म पर हमने ये फिल्म रिलीज की, अभी नया साल आने वाला है क्रिसमस और उस पर हम डंकी लेकर आने वाले है। वही शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, जवान की कमाई 400 करोड़ के पार, गदर 2 ट्रिंगल 2 की हालत हुई खस्ता। शाहरुख खान की फिल्म ने 9वें दिन 400 करोड़ कमा लिए है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म लगातार जवान में जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने 15 सितंबर को 21 करोड़ का सिर्फ कलेक्शन किया। जवान ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन पूरे कर लिए। वहीं फिल्म का 9 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस कुल कलेक्शन 410 करोड़ रहा। 7 सितंबर को रिलीज हुई जवान ने पहले दिन 75 करोड़ के साथ अपनी खुद की ओपनिंग कर ली थी। इसके बाद शुक्रवार को 53 और शनिवार को 77 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया। रविवार को फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 80 करोड़ की कमाई कर ली और इसके बाद जब सोमवार को फिल्म की कमाई 33 करोड़ और मंगलवार को सिर्फ 26 करोड़ रही। फिल्म ने 7वें दिन बुधवार को 23 करोड़ कमाए। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपए सिर्फ कमा पाई। और वहीं अमीषा पटेल और सनी देओल के लीड रोल वाले गदर 2 ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 36 दिन पूरे कर लिए और 36वें दिन फिल्म ने 45 लाख का कलेक्शन कर लिया। गदर 2 की कुल कमाई अब 517 करोड़ और दूसरी ओर 25 अगस्त को रिलीज हुई ड्रीमगर्ल 2 ने अपने 22वें दिन 15 सितंबर को 31 लाख का कलेक्शन किया। जी हाँ, ड्रीम गर्ल 2 का इंडिया में कुल कलेक्शन 101 करोड़ अभी तक हुआ है। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।